छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद उम्मीद से कम आए मार्क्स फेल हुए छात्रों और पूरक आए छात्रों को डिप्रेशन से बचाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्प डेस्क बनाया है। हेल्प डेस्क में मनोवैज्ञानिकों से विद्यार्थियों की किस तरह मदद की जाएगी इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता सत्या राजपूत ने। यानी मासिम, जिनकी बोर्ड परीक्षा है 10वीं 12वीं की रिजल्ट जारी हो गया है, जिसको लेकर छात्रों में कभी बहुत तनाव देखा जाता है, कुछ छात्र डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसको देखते हुए मासिम ने हेल्प डेस्क बनाया है जहां तमाम विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। इनसे आइए जानते हैं कि छात्रों का कैसा सवाल होता है, उनने क्या जानने के लिए और कितना कॉल आए हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रभारी मैडम है, उनसे सबसे पहले सवाल करते हैं। जी मैम, किस तरह से कॉल आ रहे हैं और आज और कल में कितने कॉल आ चुके हैं? हमारी हेल्पलाइन कल 9 तारीख से शुरू हुई है और कल लगभग 50 कॉल्स आए। उसमें अधिकतम कॉल्स जो थे वो रिजल्ट के कल कितने बजे आ रहा है ये था। कुछ प्रश्न ऐसे आए कि विषय चयन करना है, गणित विषय में बच्चा डरता है तो उसको क्या विषय ले सकता है 11वीं में, इसमें विषय में पूछे गए। और कुछ एक दो बच्चों ने शायद डर के, जो हमारी मनोवैज्ञानिक मैडम थी डॉक्टर स्वाति शर्मा, उनसे ये भी पूछा था कि बच्चा डर रहा है रिजल्ट आने के लिए, तो उन्होंने ये टिप्स दिया कि आप बच्चों के रूटीन को चेक करते रहें, बच्चे को अकेला ना छोड़ें और उसको समझाएं, प्रेशर बिल्कुल ना डालें कि रिजल्ट आ रहा है तो इसमें डर, जो भी उसका डर है उसको। मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि ये हेल्प डेस्क जो बनाया गया है ये इसके क्या कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? पहले ये हेल्प डेस्क जो हमारा सन 2013 से माध्यमिक शिक्षा मंडल चला रहा है और परीक्षा के दौरान भी चलाता है, जब परीक्षाएं चलती हैं तब हमारे विषय विशेषज्ञ आते हैं जो अगले दिन के पेपर के लिए, और अभी रिजल्ट के एक दिन पहले से हम लोग बच्चों का जो मानसिक तनाव या डिप्रेशन होता है उसको दूर करने के लिए भी हम ये चला रहे हैं और ये लगभग सफल है, क्योंकि बहुत सारे जो पहले घटनाएं होती थी हेल्पलाइन चलने के बाद से कम हो गई।